making his debut in the professional circuit. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing 66 kilograms, from Satna MP, representing 5 Elite MMA Mumbai. He is Krishna the Gorilla Bayashi! And his opponent, he has a professional record of 5 wins and 0 losses. He stands 165 centimeters tall, 65 kilograms is his weight, from the city of Kathmandu, Nepal, representing Combat MMA Club. He is Ravindra the Leopard Dan! So here we have our second man in the professional division, right in front of you, live. Both the fighters are now caged in. There is no escape from each other. एक दूसरे से कहीं नहीं भाग सकते. देखना ये पड़ेगा कि ये कहां पर ये जाके ये मैच खत्म होता है. मेरे बीच आ चुके हैं मेरे अजीम दोस्त पार्थो घोष. मैं मोनिश घोषाल लाइव नीमच में आपके सामने लेके आए हैं कृष्णा प्यासी भारत से और नेपाल से रविंद्र दत्त. बहुत ही अच्छा काउंटर आप ये दोनों ग्रैपलिंग कर रहे हैं एक दूसरे से. इन्होंने अंडर हुक में प्यासी ने प्यासी को पकड़ के रखा हुआ है. ही इज अंडर हिज क्लचेस. और अब आप देखते हैं दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं. कोई भी गिर सकता है, किसी को भी एडवांटेज मिल सकता है. बहुत ही जबरदस्त खेल यहाँ पर आपके सामने लाइव नीमच में. मैं बता दूं पहले जो आप मैचेस देख रहे थे वो प्रोफेशनल नहीं थे, वो एमेचर थे. यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट होता हुआ आपके सामने. जिनको नहीं पता है प्रोफेशनल मैचेस में सेफ्टी गियर थोड़े कम होते हैं. राउंड 3 मिनट की जगह 5 मिनट का होता है और सेफ्टी रूल्स में थोड़ी और कमी होती है. यहाँ पर बहुत ही कायदे के प्रहार ब्लू में रविंद्र दत्त की तरफ से भारत पे, जो कि कृष्णा प्यासी इस वक्त बाग दौड़ संभाले हैं. कृष्णा प्यासी रेड में नीचे पड़े हुए उनके ऊपर बढ़िया माउंट फिलहाल रविंद्र दत्त का. देखना ये पड़ेगा कि रविंद्र दत्त का जो नाम है लेपर्ड वो कहाँ तक सक्सेस होता है. और यहाँ पर काफी प्रहार से प्रहार पनिश करते हुए यहाँ पर काठमांडू नेपाल से रविंद्र दत्त नीले में भारत के प्लेयर कृष्णा गोरिल्ला प्यासी के ऊपर चढ़ बैठे हैं. प्रहार के प्रहार मुक्तों का प्रहार. यहाँ पर देखना ही पड़ेगा कि कितनी दूर तक जाता है मैच. यहाँ पर 5 मिनट के 3 राउंड. मैं जानता हूँ कि हम में से सब लोग फाइटर्स नहीं हैं, लेकिन जब आप फाइटिंग करते हैं और अंदर जाते हैं ऑक्टागन के, तो नीचे पड़े रहकर फाइट करते हैं करना भी अपने आप में बहुत ही टफ काम है. बहुत अच्छा काउंटर और दोनों ही खड़े हो गए हैं. अब शायद स्ट्राइकिंग पे ज्यादा ध्यान जाए. और अच्छी नी दत्त की तरफ से एक अच्छी नी. प्यासी कोशिश कर रहे हैं. प्यासी ने अभी ओवर में लेकर और प्यासी और नीचे बैठे थे, उन्होंने पलट दिया. अब प्यासी बहुत ही अच्छी पोजीशन में. अब शायद ग्राउंड एंड पाउंड करे और शायद मैच भी खत्म हो पाए. बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये मैचेस होते हुए देखना ये पड़ेगा कि अगले 2 मैच जो बाकी हैं, अभी इस मैच के बाद भी 2 मैचेस बाकी हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं. और मैं बता दूं लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारा मेन इवेंट बाकी है. मेन इवेंट यानी कि आखिरी मैच होता है किसी भी शो का, वो बाकी है अभी. यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से पलटवार किया है और ये भारत की तरफ से पलटवार हुआ है नेपाल पे. ब्लू में है रविंद्र दत्त जो कि काठमांडू नेपाल से हैं और यहाँ पर पलटवार करते हुए रविंद्र दत्त यहाँ पर फुल माउंट की कोशिश हो चुकी है सक्सेस और इसी तरह पलट दिया है.
और पलटने के बाद थोड़ा चिढ़ाते हुए अपने ओपोनेंट को, बहुत अच्छी पोजिशन पे है और ये मुक्के पे मुक्के, मुक्के पे मुक्के, ये पूरी तरह मैच अभी के अभी खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो चाहते कि ये राउंड भी खत्म हो। प्यासी एक ऊपर एक डोमिनेटिंग पोजिशन पे है और मैच को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और प्यासी फुल माउंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पलटवार हो चुका है प्यासी का, चढ़ बैठे हैं, काबू कर लिया है नेपाल के फाइटर रविंद्र लेपर्ड दत्त को। यहाँ पर जनता से अनुरोध कि पीछे हट जाएं अनाउंसमेंट टेबल से। आप मैं बता दूं कि अभी दो मैचेस बाकी जिनमें मेन इवेंट बाकी है अभी भी। यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि कहाँ तक ये मैच जाएगा। पहला राउंड चलता हुआ, 5 मिनट के 3 राउंड। सुनने में तो 5 मिनट बहुत छोटा लगता है, पर जब रिंग में जाए और लड़े तो एक एक सेकंड भारी पड़ता है। प्यासी की स्टैमिना, आखिरी 10 सेकंड का टाइमर, 10 सेकंड का टाइमर का इशारा हो चुका ऑफिशियल टाइम कीपर की तरफ से। यहाँ पर मैच पहला राउंड खत्म हुआ। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा पीछे हट जाए, वरना व्यवधान होता है मैच में। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप 1 मीटर कम से कम पीछे हो जाएं। धन्यवाद। प्यासी का स्टैमिना एकदम जा चुका है, देखते हैं 1 मिनट में ये कितनी रिकवरी कर पाते हैं। दत्त काफी स्टैमिना के मामले में काफी बेहतर हालत में है। यहाँ पर ऑक्टागन साइड में वॉलंटियर्स रिक्वायर्ड हैं, ऑर्गेनाइजर्स ध्यान दें, यहाँ पर ऑक्टागन साइड में क्राउड बहुत ज्यादा हो रहा है। आप सभी वॉलंटियर्स को ये अनुरोध है कि यहाँ पर ड्यूटी मुस्तैद करें। पहला राउंड खत्म हो चुका है। भारत की तरफ से लाल में किकबॉक्सर कृष्ण द गोरिल्ला प्यासी, ऑफिशियल टाइम कीपर का इशारा सेकेंड राउंड स्टार्ट करने का। यहाँ पर काठमांडू नेपाल से आए हुए फाइटर रविंद्र द लेपर्ड दत्त, सेकेंड राउंड का इशारा रेफरी ने कर दिया है। इसी के साथ सेकेंड राउंड, 5 मिनट का एक और राउंड, इसके बाद एक और राउंड है। यहाँ पर काठमांडू नेपाल से रविंद्र दत्त, प्यासी अपना स्टैमिना बचाने की कोशिश करते हुए, और दत्त ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। दत्त चाहते हैं कि 1-2 शॉट्स में ये मैच खत्म हो, पर देखते हैं आगे क्या होगा। प्यासी ने भी कोशिश की, प्यासी अब उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। प्यासी को अपना स्टैमिना बचाना पड़ेगा, और नेपाल के फाइटर उन्हें गिराना चाहते हैं, पर प्यासी डिफेंस अच्छा कर रहे हैं। प्यासी आखिरकार थोड़ा नीचे गए, पर उन्होंने अच्छी एडवांटेजेस पोजीशन छोड़ी नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल चोक लगाने की कोशिश, जी हाँ, ऑक्टागन साइड में क्राउड बहुत ज्यादा होने की वजह से आप सभी वॉलंटियर्स से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट करें कि जनता पीछे हट जाए थोड़ा। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उलटफेर, भारत का पलटवार रविंद्र दत्त पे, जो कि नेपाल से आए हुए हैं लाल में, कृष्ण प्यासी भारत से। अरे घेरिए नहीं आप लोग, सब पीछे हट जाइए, घेरिए नहीं उन्हें, उनको हवा करिए, उनके जूते मोजे उतार दीजिए, उनके जूते मोजे उतार दीजिए। यहां पर दूसरा राउंड चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। यहाँ पर रविंद्र प्यासी और रविंद्र दत्त और कृष्ण प्यासी के बीच में, रविंद्र और प्यासी दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे। दत्त की तरफ से जबरदस्त एल्बो शॉट्स, एल्बो एंड फोरआर्म, एल्बो एंड फोरआर्म। ओह ये मैच अभी यहाँ खत्म हो सकता है। प्यासी बहुत ही खराब पोजीशन में, ओह
वो डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पर देख रहे हो निकल पाते हैं कि नहीं। दत्त पूरी तरह अग्रेसिव है, प्यासी अपनी जितनी भी स्टैमिना बचा हुआ है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं पूरा राउंड खत्म हो पाता है कि नहीं, और प्यासी की ब्लीडिंग होने लगी है। देखते हैं रेफरी कितनी देर और ये मैच चलने देगा। यहाँ पर रुकवा दिया है सेकेंड राउंड में, रविंद्र दत्त के फेवर में मैच को रेफरी ने रुकवा दिया है। बहुत जल्द हम इस मैच के रिजल्ट को लेकर आएंगे आपके सामने। ग्राउंड एंड पाउंड हुआ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर रविंद्र प्यासी, रविंद्र और प्यासी के बीच में मैच था जो कि रविंद्र दत्त नेपाल से आए हुए नीले में। The result of this match, with the referee stopping the match in the second round as a result of ground and pound, the winner is in blue from Kathmandu, Nepal, Ravindra the Leopard Dad. Ladies and gentlemen, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दो मैचेस और बाकी, जिसमें आखिरी मैच मेन इवेंट है आज की शाम का, या यूं कह ले आज की रात का। बहुत ही अच्छा मैच था, एक्साइटिंग था। प्यासी को काफी चोट पहुंची है पर उम्मीद करते हैं ये पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे। और अच्छा एफर्ट प्यासी की तरफ से, एंड एवरी क्लैप इज अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम। मैं बताना चाहूंगा अगला मैच है इंद्रजीत मलक्कर और मोहम्मद बिलाल के बीच में। मैं चाहता हूं कि आप दोनों फाइटर्स रेडी हो जाएं, इंद्रजीत मलक्कर एंड मोहम्मद बिलाल।